आज किसी भी इंसान को कैंसर इंडस्ट्री डायग्नोसिस के नाम पे बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन या बोन मैरो टेस्ट के लिए बोल देंगे, बोल सकता है, जबकि असली बात यह है कि ये कोई टेस्ट नहीं है। दिस इज अ ट्रैप टू कन्वर्ट अ नॉर्मल ह्यूमन इनटू अ कैंसर पेशेंट। कीमोथेरेपी जैसा जहर किसी भी इंसान को कैंसर इंडस्ट्री लिख के दे देगी, कीमोथेरेपी कर लो, रेडिएशन कर लो, जबकि असली बात यह है कि कीमोथेरेपी रेडिएशन का कैंसर को के क्योर से दूर दूर तक लेना देना कहीं भी नहीं है। जान और माल को लूटने का तरीका है। कोई एक इंसान बताइए पूरी दुनिया में जो कीमोथेरेपी से ठीक हो गया हो कैंसर से, कोई एक इंसान मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पे कैंसर इंडस्ट्री से जुड़े ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सेट्रा जो मुझे सुन रहे हैं, आप भी कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो कैंसर फ्री हो चुका हो आपकी कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से। इस चैनल के माध्यम से जो कैंसर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको चैलेंज करता हूँ मैं, तो 250 रेफरेंसेस दे रहा हूँ, मेडिकल रेफरेंसेस, मेरी बात को प्रूव करने के लिए आपसे सिर्फ एक ही रेफरेंस मांग रहा हूँ। मैं अपने खूब सारे पेशेंट लेके आऊंगा जो आपके हिसाब से ही पहले कैंसर पेशेंट थे और आपके हिसाब से अब कैंसर पेशेंट नहीं है, और अगर मैंने जो एविडेंसेस दिए हैं उस किताब में या जो बातें मैं बता रहा हूँ वो अगर गलत साबित होती है तो 10 लाख का इनाम आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। पहले तो मैं वही करता हूँ जो वही बताता हूँ जो मैं खुद पे करता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक मॉनिटर लगा हुआ है, अगर आप देखें दिख रहा है, ये एक मॉनिटर लगा हुआ है, तो क्यों ना बुक लॉन्च से पहले ही बुक को लॉन्च कर दें ताकि एटलीस्ट आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ साइजेबल हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके पास ये किताब पहुंच जाए। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ और आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। आपका इस चैनल पर स्वागत है और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी नई बुक जो है वो 13 अप्रैल को लॉन्च हो रही है, द रॉबिट टॉर्टोइज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर। उसमें आपने कुछ नई टेक्निक्स भी बताई हैं और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नई बुक लॉन्च हो रही है जिसमें नई टेक्निक आप बता रहे हैं, उसमें आपने एक टर्म का यूज किया है, वो है रॉलेट एक्ट ऑफ कैंसर इंडस्ट्री। रॉलेट एक्ट तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि 1919 में, यानी कि 1919 में जो अंग्रेजों का बनाया हुआ एक रूल है रॉलेट एक्ट, जो कि मार्च में बनाया गया था, लेकिन आपने जो रॉलेट एक्ट ऑफ कैंसर इंडस्ट्री बोला है, तो ये टर्म्स क्या है, इसको समझाएंगे आप हमें और हमारे जो लाखों लोग जो आपको देख रहे हैं उनको समझाएंगे कि क्या है ये? देखिए, 1919 का जिक्र किया तो 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हमने अपने इतिहास में पढ़ा है, हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है, और वो हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल ठीक वही दिन है जिस दिन आज से 3 दिन बाद जब जब मैं ये किताब लॉन्च कर रहा हूँ, वो खास तौर पे 13 अप्रैल का दिन मैंने चूज किया। और 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में, जैसा आपको सबको पता होगा किताब में हमने पढ़ा कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट का मतलब ये था कि एक ऐसा कानून अंग्रेजों ने पास किया था कि कोई भी अंग्रेज किसी भी भारतीय को कभी भी बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकता है और उसको किसी भी ट्रायल की जरूरत नहीं है, बस अंग्रेज ने बोल दिया तो वही फाइनल वर्डिक्ट हो गया। ये है रॉलेट एक्ट जो उस वक्त लागू हुआ था, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट जलियांवाले बाग भी इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद जैसा कि आपने पढ़ा, गोलियां अंग्रेजों ने चलाई और चलाने के बाद वहां पे हजारों लोगों की मौत भी, टू बी वेरी प्रिसाइज 1500 लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, हर तरह के किस्म बूढ़े लोग मारे गए, और जो कि इतिहास में मुझे लगता नहीं कभी हम भुला पाएंगे। और वो एक नई चिंगारी की तरह भी लोगों में फैली कि भाई हमें अंग्रेजों के खिलाफ और स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए। तो अब आता है कि रॉलेट एक्ट ऑफ कैंसर कैंसर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री तो यहाँ समझिए कि अगर आप ध्यान से देखें हर इतिहास की किताब में ये लिखा है कि अंग्रेजों ने गोली चलाई भारतीयों पे, अंग्रेजों ने चलाई, लेकिन मैं जानना चाह रहा था वो कौन अंग्रेज है जिन्होंने चलाई, वो कितने अंग्रेजों ने चलाई, कैसे चलाई। तो मैंने पाया कि वो जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो अंग्रेज तो थे ही नहीं, वो तो भारतीय थे, भारतीय थे। अंग्रेज ने ऑर्डर जरूर दिया जनरल डायर ने कि गोली चलाओ, लेकिन जिनके हाथ में बंदूक थे वो भारतीय थे, जिनके ऊपर गोली चली वो भी भारतीय थे, तो वो इंडियन थे जिन्होंने इंडियंस के ऊपर गोली चलाई। तो देर इज अ करेक्शन कि इंडियंस ने ही इंडियन को मारा है, और वो वही इंडियन जो लोग बैठे थे उस प्रोटेस्ट में। और प्रोटेस्ट क्या था कि एक कानून जो मैंने अभी बताया रॉलेट एक्ट। एक्ट अब 104 साल हो जाएंगे इस 13 अप्रैल को, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के खत्म हुए के पूरे 104 साल, लेकिन अब भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो ये देख लें कि वो जो खाकी वर्दी वाले लोग हैं वो सफेद कोट में बदल गए, यहाँ मैं कैंसर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और दूसरा रॉलेट एक्ट ऑफ कैंसर इंडस्ट्री मतलब ये कि आज किसी भी इंसान को कैंसर इंडस्ट्री डायग्नोसिस के नाम पे बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन
या बोन मैरो टेस्ट के लिए बोल देंगे, बोल सकता है, जबकि असली बात यह है कि ये कोई टेस्ट नहीं है, दिस इज अ ट्रैप टू कन्वर्ट अ नॉर्मल ह्यूमन इनटू अ कैंसर पेशेंट, राइट। तो एक पावर आ गई है कि अगर ये उनके हाथों कोई मौत, मृत्यु भी हो जाती है, जान मौत की कोई डेथ हो जाती है, तो फिर कैंसर इंडस्ट्री को टोकने वाला, रोकने वाला कोई नहीं है, सवाल पूछने वाला। कीमोथेरेपी जैसा जहर किसी भी इंसान को कैंसर इंडस्ट्री लिख के दे देगी, कीमोथेरेपी कर लो, रेडिएशन कर लो, जबकि असली बात यह है कि कीमोथेरेपी रेडिएशन का कैंसर को के क्योर से दूर दूर तक लेना देना कहीं भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्लो पॉइजन है, जान और माल को लूटने का तरीका है। जान अगर एकदम से चली गई तो आप माल कैसे लूटेंगे? तो जान धीरे धीरे जाती है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स या फ्यू मंथ्स, तो जब तक कि उसके सारे पैसे कैंसर इंडस्ट्री के पास नहीं आते। तो जिस तरह से अंग्रेजों के ऑर्डर पे जिन भारतीयों ने गोली चलाई, अगर हम बोलें कि उन्हें पता नहीं था कि गोली अगर चलाएंगे तो इंसान मर जाता है, राइट। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई ये बोलता है, ऑन्कोलॉजिस्ट को ये पता ही नहीं है कि बायोप्सी से कैंसर होता है, मेमोग्राम से कैंसर होता है, पेट स्कैन कॉजेस कैंसर, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर, रेडिएशन कॉजेस कैंसर, सो दीज आर नॉट द ट्रीटमेंट, दीज आर द ट्रैप। ट्रैप को ट्रीटमेंट के पेश कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कानूनी हो गया है कि वो ऐसा कर सकते हैं, इसमें इंसान की जान जा सकती है, माल जा सकता है, लेकिन ये कानूनी है, हम उसके खिलाफ कुछ आवाज नहीं उठा सकते। ठीक उस रॉलेट एक्ट की तरह, जब अंग्रेज जब चाहे किसी इंडियन को पकड़ के रख सकते हैं और उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो सकता। तो वैसा ही कुछ हो रहा है अभी कैंसर इंडस्ट्री में। तो जिन लोग, आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, कीमोथेरेपी तो कैंसर को क्योर करता है, तो ऐसा कोई एक इंसान बताइए पूरी दुनिया में जो कीमोथेरेपी से ठीक हो गया हो कैंसर से, कोई एक इंसान मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे कैंसर इंडस्ट्री से जुड़े ऑन्कोलॉजिस्ट एक्सेट्रा जो मुझे सुन रहे हैं, आप ही कोई ऐसा आदमी बता दीजिए जो कैंसर फ्री हो चुका हो आपके कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से, राइट। जबकि ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे ट्यूमर है, सिस्ट है, कैंसर है, ये सारी चीजें बॉडी अपने आप ही उसको डिजोल्व कर सकता है और करता भी है, लेकिन वो सारी बातें हैं जैसे कनेक्टिंग करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक, सर्कैडियन रिदम एक्सेट्रा, ये सारी बातें तो जो कि साइंटिफिक है, सारे एविडेंस बेस्ड है, वो सारी बातों को छुपाया गया है, दबाया गया है, हमारे आयुर्वेद में भी ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो खैर, जो हमारी जो किताब है रैबिट टॉर्टोइस मॉडल ऑफ कैंसर क्योर, इस किताब में एक तरफ वो सारे एविडेंस, करीब 250 एविडेंसेस हैं, जो एविडेंसेस से जो मैंने अभी बताया उसकी सत्यता पता चलती है, और दूसरी तरफ ऐसे मेथड्स जो घर पे किए जा सकते हैं जिससे इंसान को अगर दिक्कत रियल में है, अगर रियल कैंसर है भी या हो गया है या करा दिया गया है, तो भी उससे बाहर निकलने के आसान और ऐसे सरल तरीके हैं जो घर बैठे किए जा सकते हैं। सो दिस ऑल इमेजिन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन ए कैंसर इंडस्ट्री ट्रैप बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लॉ दे हैव पास्ड, कि कीमोथेरेपी के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पे वो जहर भी दे सकते हैं, उससे लोग मरेंगे, पता ही है, ऐसा साबित ही है पहली बार, तो उसके बावजूद भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसा कानूनी बना दिया गया। सर, अभी तक जितनी भी काफी सारी बीमारियों पर आपने बहुत सारी टेक्निक्स निकाली हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो लोगों ने बहुत आसानी से उन सब चीजों को ठीक भी किया। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अभी काफी साल से आपके साथ जुड़ा हूँ, जो मैं जितना जान पाया हूँ, क्या कोई नई टेक्निक्स, कोई एक और चीज, कोई ऐसी मशीन, और मुझे लगता है जो आपके टी शर्ट में बना हुआ है, क्या ऐसा कुछ आप 13 अप्रैल को लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं क्या, कोई ऐसी मशीन? हाँ, ये मशीन, ये आपको, एक बार थोड़ा सा खड़े होंगे तो दिख जाएगा किस। हाँ आपने पहले एक बार देख लिया होगा बाहर। ये मैंने देखा था। ठीक, दिख हाँ, गया दिख गया। यस सो सर, हाँ जी, ये एक मशीन हमने तैयार की है, इसे बोल सकते हैं कैंसर मेकिंग मशीन, ठीक है ना, ओके। कैंसर कैंसर प्रोड्यूसिंग मशीन, अगर किसी मेकिंग मशीन, मेकिंग मशीन, एक अच्छा, तरफ तो मेरी कैंसर किताब है, क्योरिंग 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 नहीं, मशीन नहीं है, मेकिंग अच्छा, मशीन, एक तरफ तो किताब मेकिंग है मशीन। वो है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि कैंसर ठीक करना है, और एक तरफ हाँ मैंने ये भी बना दिया कैंसर बनाना है, हाँ तो पूरा बिजनेस अच्छा कंप्लीट अच्छा हो गया है ना। पहले तो कैंसर ठीक है। के पेशेंट पैदा करो, फिर उन्हीं से व्यापार करो, किताब के नाम पे, किसी के नाम पे हम ठीक कर देंगे, तो दुनिया ऐसी चल रही है, तो हमने बोला दुनिया के हिसाब से चलना चाहिए। तो मैं ये एक ये जो आपने अभी फोटो देखा, ये मशीन उस दिन मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि कैंसर बनाना कितना आसान है, आप घर में भी ये मशीन बना सकते हैं और कैंसर क्रिएट कर सकते हैं बॉडी में इफ यू वॉन्ट, राइट। और कैसे बना है वो भी मैं बताऊंगा, मतलब ये पूरा साइकिल कैसे चलता है, वो एक मशीन के माध्यम से और किताब के माध्यम से, और भी हमारे जो ऐसे ऐसे पेशेंट जो कई कई साल से हमारे साथ जुड़े हैं, एक टाइम पे उनको वो कैंसर थे, पेशेंट थे, अब वो ठीक हो चुके हैं,
उनसे भी मैं मिलाऊंगा और जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, ताकि आपको सारे एविडेंस बेस सब कुछ एक मिल जाए। तो ये कैंसर मशीन बनाने वाली है और जो बुक है वो बचाने वाली है, वो तो आप बचाने मतलब मतलब आसानी से कैंसर के पेशेंट को आप बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। वी कैन क्रिएट कैंसर इन योर बॉडी, आई कैन क्रिएट कैंसर इन माई बॉडी। एक ऐसा कैंसर जो वाकई में वो फैलेगा, वाकई में फोड़ा बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, और वाकई में इट कैन बी डेडली एंड इट कैन कॉज डेथ। तो ये जो बुक है आपकी वो 13 अप्रैल को लॉन्च हो रही है और वो coronakaal.tv पे आप लोग देख सकते हैं। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, जैसे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है कि जब भी आपका कोई ऐसा सेमिनार होता है, कोई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो उससे पहले ही जब पता चल जाता है तो वो वहां पे बैन कर दिया जाता है। काफी सारी अमेजन से आपकी किताबें भी हटा दी गई हैं, बैन कर दी गई हैं, आपका चैनल डिलीट कर दिया गया, बैन कर दिया गया है, एक मेरे भी चैनल को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन जब इतना सब कुछ हो रहा है और आपने बोला कि इस बुक में 250 के करीब एविडेंसेज आपने दिए हैं, तो जब इतने सारे चीज दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कैंसर इंडस्ट्री ये सब होने देगी और ये आपकी बुक लॉन्च होने देगी अगर आप इतना देखिए, सब कर रहे हैं? तो मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे पहले भी काफी बार हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को अपलोड होगी जो देख रहे होंगे, लाखों लोग जब इसको देख रहे होंगे, तो क्या मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप ये बुक को आज इस चैनल के माध्यम से अभी क्या इसको लॉन्च नहीं कर सकते, ताकि लोग अगर वो उसमें बैन भी होता है 13 तारीख को या लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो कम से कम ये लोगों तक पहुंच का है, फिर ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को, आपकी बातों को, आपकी बुक को पूरी दुनिया में पहुंचाएं, देश देश में पहुंचाएं, ताकि लोगों का भला है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज आप इसे यहीं लॉन्च करें? हाँ ऐसा हो सकता है, और जो आपने बोला ऐसा शंका मुझे भी है, क्योंकि जो हमारा पीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीआर हमने हायर किया, जो हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और पीआर पहले से रहे हैं, तो उन्होंने बोला इस तरह की खबरें आ रही हैं। जब उन्होंने मीडिया को इन्वाइट करना शुरू किया, इन्वाइट भेजना शुरू किया कि ऐसे खबरें आ रही हैं कि जो कैंसर इंडस्ट्री जो है, जो हमारे अपोजिशन पार्टी है, वो इस तरह के फिराक में है, कि जो पहले भी हो चुका है कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस का या हमारे सेमिनार के हॉल्स अक्सर ब्लॉक कर दिए जाते थे या जाते हैं, चाहे वो FDA द्वारा हो, चाहे वो IMA द्वारा हो, चाहे मेडिकल काउंसिल द्वारा हो। ये ऐसा तो आमतौर पर आपने देखा ही है कितने बार हुआ है, राइट। हमारे राइटली हमारे कई सारी किताब है जो अमेजन से हटा दिए गए बैन, और लगभग सारे जितने भी सोशल मीडिया वहां से बैन कर दिया गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि बुक के लॉन्च से पहले ही ये बुक को उड़ा दें इंटरनेट से या बैन कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा कानून ले आए कि वो बुक आप तक ना पहुंचे। तो क्यों ना बुक लॉन्च से पहले ही बुक को लॉन्च कर दें, ताकि एटलीस्ट आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुछ साइजेबल हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनके पास ये किताब पहुंच जाए, ताकि अगर कहीं से बैन भी हो तब भी फिजिकल या उनको एक एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उनके पास सेव है, और जो फिर वो अगर चाहें तो वो उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो इसको अभी करते हैं। तो इसके लिए www.biswarupiswarup.com/RTM, आर यानी कि रैबिट वाला आर, टी मतलब टी, एम मतलब टॉर्टोइज आर टी एम, मॉडल आरटीएस। visuroop.com/RTM में अभी जब आप ये सुन रहे हैं जाएंगे, तो वो बुक वहीं पे आपको मिलेगी। और मेरी ये गुजारिश है, एक वो ई बुक आप देखेंगे तो जरूर, लेकिन उसको आप डाउनलोड भी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये ई बुक आज है, कल होगा कि नहीं, 13 तारीख को होगा कि नहीं, मैं खुद भी एक तरह से डाउटफुल बिल्कुल। हूँ। तो और ये किताब एक बार आपकी, आपके पास आ गई, तो जाहिर सी बात है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि किताब के कंटेंट को कम से कम कैंसर पेशेंट तक पहुंचाएं। और पहले तो आप खुद भी तसल्ली कर लें, जैसा मैंने आपको बोला, आपने भी इसको एक बार रिपीट किया कि 250 से ज्यादा एविडेंसेस हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से जो कैंसर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको चैलेंज करता हूँ। मैं तो 250 रेफरेंसेस दे रहा हूँ, मेडिकल रेफरेंसेस, मेरी बात को प्रूव करने के लिए। आपसे सिर्फ एक ही रेफरेंस मांग रहा हूँ, मैं अपने खूब सारे पेशेंट लेके आऊंगा जो आपके हिसाब से ही पहले कैंसर पेशेंट थे और आप ही के हिसाब से अब कैंसर पेशेंट नहीं है, तो आप भी कुछ सिमिलर केस स्टडीज हमें दीजिए। तो ये ताकि ये साबित हो सके कि आप जो कर रहे हैं वो कोई रोलेट एक्ट ऑफ कैंसर इंडस्ट्री नहीं है। और अगर मैंने जो एविडेंसेस दिए हैं उस किताब में या जो बातें मैं बता रहा हूँ वो अगर गलत साबित होती है, तो 10 लाख का इनाम आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। जो लोग कैंसर इंडस्ट्री से जुड़े हैं और जिन लोगों को लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ, तो आप मुझसे फ्री डिबेट कर सकते हैं लाइव 13 तारीख को ही, visuroop.com/13। 13 अप्रैल में जाएंगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा, उसमें अपना नाम, आप अपना सारा डिटेल भर दीजिए, हम आपको इन्वाइट करेंगे। वो लाइव होगा और वो
लाइव होगा www.coronakal.tv, 12 बजे लाइव होगा 13 तारीख को। देश देखे सच कौन है झूठ कौन, देश फैसला करे। तो सर ये जो आपकी लॉन्चिंग हो रही है वहां पर कोई भी आ सकता है या किसी को आपने इनवाइट किया है क्या? देखिए जो लॉन्च होगा ये सिर्फ मीडिया मीडिया आ सकती है, उनमें से एक आप भी हैं, तो मीडिया ही बुला रहे हैं करीब 50-60 लोग, वो उतना ही जगह है। और बाकी जो देश है बाकी सब लोग देखेंगे वो ऑनलाइन लाइव देखेंगे। और किताब की बात है वो तो आपको अभी लोगों को मिली गई है इस माध्यम से, लेकिन उसमें टेक्निक क्या है, सक्सेस स्टोरीज क्या है, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट बातें, इंटरेस्टिंग बातें हैं जो सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं है। कैंसर मतलब कोई भी आउटग्रोथ, चाहे वो सिस्ट हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे फेब्रॉइड हो, चाहे पॉलिप हो, ये सारे जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, आउटग्रोथ बोल सकते हैं इसको। तो इससे अगर कोई परेशान है तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लाइव जुड़िए हमारे साथ, 12 बजे जुड़िए 13 तारीख को, और आपको सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। और लगता है दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट आई ओपनर फॉर द पीपल हु आर सफरिंग इन द नेम ऑफ कैंसर बाय द कैंसर इंडस्ट्री। पहले बहुत रेयर ये कैंसर की बीमारी किसी को हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये कैंसर इस तेजी से फैल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसे जो बीमारियां हैं, जो चीजें हैं छोटी छोटी, उसकी तरह से कैंसर फैल रहा है आजकल ये। तो शायद हो सकता है कि जो मॉडल आप बता रहे हो उस मॉडल की वजह से ये हो रहा है। डेफिनेटली यस, वो कैंसर नहीं फैल रहा, वो कैंसर इंडस्ट्री फैल रही है। इस तरह के ताने बाने कर दिए है, डायग्नोस्टिक्स इस तरह से बना दिए हैं कि उस डायग्नोस्टिक्स में अक्सर ही लोग कैंसर पाए जाएंगे, जबकि इन रियलिटी दे आर नॉट ए कैंसर पेशेंट, राइट। थोड़ा मोटा कुछ किसी को होता है तो वहां पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं टेस्ट करना, पे पेट स्कैन कर दो, मेमोग्राम कर दो, बायोप्सी कर दो। मान लो कि वो चुंगल में फंस चुके हैं, अब वो चुंगल में फंस चुके हैं, वो तभी निकलेंगे जब उनकी जान निकलेगी और जब उनका माल सारा निकल जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है, इसके सारे एविडेंस मेरे साथ सामने है। इसको कोई झूठ साबित कर दे, मैं तो यही चाहता हूँ कि इसको झूठ साबित कर दे, काश कि ये सच नहीं हो। सर एक चीज और महसूस की गई है कैंसर पेशेंट से, जो अभी मैंने भी बात करी है, तो कैंसर पेशेंट का ये मानना है कि जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता उनको कैंसर है या ये टेस्ट नहीं होता, जैसे बायोप्सी नहीं होती या कीमो नहीं होता, तब तक उन्हें लगता भी नहीं है कि वो पेशेंट है और वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन जैसे ये प्रोसेस शुरू होता है एकदम से उनकी हालत जो है बिगड़ती चली जाती है। देखिए ये प्रोसेस इटसेल्फ इज कैंसर, ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस, फॉर एग्जाम्पल मैं और आप हेल्दी हैं, हमें कोई बायोप्सी कर दे, हमें कोई अगर कोई पेट स्कैन कर दे, तो हम ही कैंसर पेशेंट बन जाएंगे, रियल पेशेंट। मतलब कैंसर वाले जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, कमजोरी आना, हमेशा बुखारे फीवरिश रहना, या खून की उल्टी होना, या हीमोग्लोबिन डाउन हो जाना, ये सारी सिम्टम हमारे अंदर आ जाएंगे। अगर मैं चाहूँ कि मेरे अंदर कैंसर के सारे सिम्टम आ जाए तो मैं बोलूंगा मेरी बायोप्सी कर दो बॉडी किसी पार्ट, या मैं बोलूंगा कि मेरे ऐसा करो कि पेट स्कैन कर दो 2-4 बार, तो बस काफी है। तो ये जो एक डायग्नोस्टिक का तरीका है ये बड़ा फेक तरीका है, ये तरीका जानबूझ के उसको कैंसर में घसीटने का तरीका है। तो सवाल आता है तो करें क्या, वही करें जो इस वक्त मैं कर रहा हूँ। आपको जो लोग आएंगे 13 तारीख को ऑनलाइन जुड़ेंगे, उनको दिखाने के लिए कि क्या करना है, मैंने पहले तो मैं वही करता हूँ जो वही बताता हूँ जो मैं खुद पे करता हूँ। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने एक मॉनिटर लगा हुआ है, अगर आप देखें दिख रहा है तो ये एक मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें लाइटें भी है, ये टेम्परेचर मॉनिटर, 24 घंटे का मेरा टेम्परेचर रिदम। इधर एक मॉनिटर और लगा हुआ है, ये है मेरा ब्लड शुगर मॉनिटर, राइट। तो हमारे जो पेशेंट आते हैं उनको 24 आवर टेम्परेचर रिदम, उनका 24 आवर ब्लड शुगर रिदम, उनका 24 आवर ब्लड प्रेशर रिदम, उनका 24 आवर यूरिन आउटपुट रिदम, किडनी रिदम, पेनक्रियाज रिदम, ये सारा कुछ हम देखते हैं। और उसके आंकड़ों के हिसाब से तब हमें आइडिया होता है कि इनके बॉडी के अंदर हलचल क्या चल रही है, उस हलचल के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं कि इनका पूरा लाइफस्टाइल में क्या करें ताकि इनका रिदम ठीक हो जाए। हमें रिदम को ठीक करना है, और रिदम को ठीक करने के लिए बायोप्सी करने की, पेट स्कैन करने की, बॉडी को नुकसान करने की कोई आवश्यकता नहीं। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इस नई बुक लॉन्चिंग के लिए 13 अप्रैल को। और हम भगवान से कामना करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो, कोई बैन ना लगे, कोई वो ना हो जाए। लेकिन जब चलते चलते आप हमारे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बहुत क्लियर है, देखिए आज की तारीख में यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। अगर आप सोचें कि वो हॉस्पिटल है जो आपका ध्यान रखेगा, वो कभी नहीं रखेगा, वो तो अपने हॉस्पिटल का ध्यान रखेगा। बहुत ही क्लियर है, ऐसा नहीं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सबके सब फेक और फ्रॉड है, लेकिन वो एक हॉस्पिटल का छोटे से एक प्यादे हैं, उनको तो बस बोला जाता है यहाँ से यहाँ तक जाओ, ठीक है ना। वो एक रोबोट की तरह है, वो रोलेट, वो जो जलिया वाले बाग में जो 50 भारतीय, तो उनकी तरह है, उनके हाथ में बंदूक है, उनको नहीं पता कौन है जिसको मैं मार रहा हूँ,
उन्हें पता है कि वहां से ऑर्डर आएगा फायर तो उसको गोली चला देनी, राइट। वो तो एक ब्रेन वॉश लोग हैं, राइट। अगर ब्रेन वॉश लोग नहीं होते तो जो बातें, जो एविडेंसेस 250 मुझे दिख गए, वो एविडेंस उनको भी दिखते। मैं तो कैंसर का डॉक्टर नहीं भी नहीं भी हूँ, नहीं, वो तो कैंसर के ही डॉक्टर हैं जिन जीवन भर उन्होंने कैंसर बिताया है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने नॉलेज को अपग्रेड कराना ही अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अपना जान और माल की को बचाना चाहते हैं। उसके लिए आसान तरीका है, किफायती तरीका है कि आप इस तरह के जो हमारा 13 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम ट्रेनिंग कम लॉन्च है उसमें आप जुड़िए और इस तरह की और चीजों में जुड़िए, ऐसे चैनल्स का जुड़िए। उसमें क्या है कि इट इज फ्री और वो जजमेंट आप कीजिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ हाँ जरूरी है सच है, राइट। हाँ आपको सही सिर्फ बात है। यू हैव टू इंक्वायर, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, यू हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ। जब लॉजिकली चीजें सही लगे तभी मानिए, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप सवाल तो पूछें, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन। जिस तरह से जो अभी आपने सुना इस वाले मेरे वार्तालाप में, तो जो जो फैक्ट्स मैंने बताए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये फैक्ट्स उठाएं और आप अपने डॉक्टर पर ले जाएं कि बोलें कि ये सच है या झूठ है। अगर तो बोलते हैं झूठ है तो सच क्या है, उसका एविडेंस भी दें। मैं तो एविडेंस दे रहा हूँ, किताब भी आपके पास है इस वक्त, राइट। किताब के पन्ने खोलिए, सारे एविडेंस सामने हैं। जिस तरह से मैंने अपने एविडेंस दिए, क्या वो डॉक्टर्स जो कि बड़े बड़े महलों जैसे हॉस्पिटल में बैठे हैं, क्या उन्होंने आपको एक भी एविडेंस दिए? जब भी वो बोलते हैं कीमोथेरेपी करा लो, क्या उन्होंने एविडेंस दिए इससे आपको फायदा होगा? कोई 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 आपको उन्होंने एश्योरेंस दिया है? बल्कि उन्होंने तो लिखवा लिया कि इससे इंसान मर भी सकता है, मरेगा तो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस इतना बता दो कि बॉडी किसको दें, पैसे किससे लें। दैट इज वॉट यू राइट, दैट इज वेर वेर यू साइन, राइट। तो समय आ गया है कि हमें उस रोलेट एक्ट को उखाड़ के बाहर फेंकना है। वो तभी हो सकता है जब अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें, यू बिकम योर ओन डॉक्टर। थैंक यू सो मच सर। एक चीज और, चलते चलते हमारे देश, मैं अभी दुनिया की बात नहीं कर रहा, अपने देश की बात करता हूँ। हमारे देश में जब भी किसी को डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, इस देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के 99% लोग उस पैथी में जाके इलाज लेते हैं, जिस पैथी ने, जिस डॉक्टर ने आज तक एक भी पेशेंट को ठीक नहीं किया। लेकिन दसियों साल से, 20-20 साल से वो इलाज करा रहे हैं और वो सोच रहे कि हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझा सकते हैं और कैसे वो अपना डॉक्टर बन सकते हैं? और वो पढ़े लिखे समझदार पैसे वाले लोग हैं। हाँ, ये वो पढ़े लिखे समझदार हैं कि नहीं ये तो डाउटफुल है, लिटिल बिट। पढ़े लिखे जरूर हैं, पैसे वाले भी जरूर हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी जो एक 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 भावना बनी है, ऐसा जो ट्रेंड बना है, वो भी एक दिन में नहीं बना, वो सदियों से बना है। सदियों से गुलामी की की जो आदत है वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है लोगों के दिमाग में, किसी के दिमाग के किसी न किसी कोने में। तो उस जो एक गुलामी से बाहर निकालने में समय लगेगा। तो अभी तो हमें यही करना है कि जो लोग निकलने को तैयार हैं बाहर, पहले तो उनको पकड़ें, उनको ठीक करें। जो निकलने को तैयार नहीं है तो उनको रहने दें, क्योंकि आपके हमारे पास भी लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज सही ही है। बात, तो सही बात। लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि एक टाइम आएगा जब वो लोग भी ऐसे इस तरह के षड्यंत्र से बाहर निकल पाएंगे। जाहिर सी बात है, जिस तरह का माहौल बनाया गया है इतने सालों में, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, तो वो माहौल ही उनकी अल्टीमेट ट्रुथ है उनके लिए। तो उस माहौल को देख के फिर वो अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। ये बड़ी दुखदायी बात है मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, कि हमारा देश जहाँ पे आयुर्वेद है उसको एक कोने में हाँ के इस तरह के जो रोलेट एक्ट काइंड ऑफ जो फरमान है उससे गले लगाते हैं और अपनी जान और माल से हाथ धोते हैं। दुखी बात है, लेकिन आप और हम सिर्फ एक्शन कर सकते हैं, बाकी आगे रिजल्ट तो दिखता ही रहेगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन आपसे जुड़ने के लिए। और मिलते हैं 13 अप्रैल को ठीक 12 बजे कोरोना काल डॉट टीवी पर, और जहां पर आप देखेंगे डॉक्टर विष्णु प्रताप चौधरी की जो बुक लॉन्च हो रही है, और आप जानेंगे कैंसर के बारे में, और उसके बाद, उसको देखने के बाद, उस बुक को डाउनलोड करके पढ़ने के बाद, आपके अंदर जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन आते हैं, आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वो क्वेश्चन फिर हम डॉक्टर विश्वप्रिया चौधरी से पूछेंगे, उसका जवाब आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप पूरी तरह से अपने आप को क्योर पाएं। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।